तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। और एक डिब्बा हमारे यहाँ आइसक्रीम का आया हुआ था। मैं हल्दी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वहाँ पर ये लोग मस्ती कर रहे थे, बहुत हल्दी चल रही है। तो बस ये ऐसे होता है मेरा शादी का ब्लॉग चालू, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना कैसी शादी होती है, जितना होगा उतना कैप्शन। तो बस रात हो चुकी है, बारात आ चुकी है और बस जयमाल के लिए लड़का और लड़की बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं हूँ यहाँ, मेरी सिस्टर लोग मेरा फ़ोन लिए हुई थी, तो जितना हो सका उतना रिकॉर्ड किया है। तो ये लड़की जयमाल से आ चुकी है और मेरी सिस्टर लोग हैं और इसी में मतलब और भी हैं, मेरी एक भतीजी है और एक रिलेटेड लड़की है और ये लोग अंदर जा रहे हैं। तो बस, और ये मेरी बुआ की लड़की बैठी हुई जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हैं, रेड वाली मेरे बड़े पापा की लड़की हैं और ये लोग भतीजी लगती हैं मतलब भाभी की लड़की। सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, सब मतलब घर के, ये मेरी भी बड़े पापा की लड़की है, ये बड़े पापा की लड़की है, मतलब हमारे में हमारे घर में लड़कियाँ बहुत हैं। तो ये लड़की है और ये मेरी ये दीक्षा बैठी हुई है यहीं साइड में, और ये नंदनी है जो लहंगा संभाल रही है, और ये पीछे जो फोन चला रही है बिट्टू है मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, और ये मेरे बड़े पापा की लड़की है, संध्या नाम इसका भी है। और ये मौसी बैठी हुई हैं और ये मेरी बड़े पापा की सबसे छोटी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है 10 जून को। और बस ये पर संध्या है जो मेरी चौथे नंबर की सिस्टर है, 4 नंबर की ये वो है रेड कलर वाले कपड़े पहने हैं जो पर संध्या है। और मेरी आज चारों सिस्टर से मैंने आपको मिला दिया है। और ये बिट्टू फिर आ गई है रमिता के पास, और ये रमिता है, बस ये बिट्टू खड़ी हुई है और दीक्षा। और मैंने अपना पूरा नहीं दिखाया तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। मैंने कॉम वॉम बिल्कुल भी नहीं किया है, बालों का कुछ नहीं किया है, जैसी आई थी वैसे ही, मतलब जैसी मैं मार्केट गई थी वैसे ही हूँ, और इतनी अच्छी हूँ मैं जैसी भी हूँ। और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो बस जयमाल स्टार्ट हो चुकी है और जयमाल हो चुकी है। आप फोटो होंगी रिलेटेड की मेरी, हम सबकी पिक हुई हैं बट किसी ने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरी सिस्टर लोग फ़ोन लिए हुई थी और मैं बड़ी हूँ इससे, तो मैं अंदर थी और हम लोग के यहाँ जो बड़े सिस्टर लोग होते हैं वो बाहर नहीं आते। बस मैं एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए आई थी बट मुझे नहीं पता कितना रिकॉर्ड किया, तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो उतने में ही मैं यहाँ हूँ, मतलब बस वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जयमाल की बात होती है भांवरों की तैयारी, मतलब जो 7 फेरे होते हैं उनकी, तो 7 फेरे ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, उनके लिए पूजा पाठ होती है। तो ये हमारे यहाँ जैसे रंगोली नहीं बनाते ऐसे, हम लोग इसे चौक बोलते हैं, चौक पूर रहे हैं, तो ये रंगोली बना रहा है महाराज जी, और महाराज जी को ही बनानी होती है। और ये जो 2 लोग पकड़े हुए हैं, ये खम्मा पीले कलर का, तो ये वो है क्या बोलते थे कुछ बोलते हैं खाम बोलते हैं खाम, तो लड़के की शादी में हमारे यहाँ ऐसे खाम आता है और इसे ऐसे यहाँ गाड़ना पड़ता है नीचे ज़मीन में, बट आंगन सीमेंट का है तो बांध रहे हैं, रस्सी से बांध देंगे। और मेरे छोटे चाचा हैं सबसे छोटे, और यहाँ हैं लड़की के पापा जी, ये उनके पापा हैं जिनकी शादी है, और मेरे ये 3रे नंबर के चाचा हैं। और ए रमिता के साथ बैठी हुई है मेरी मम्मी और चाची, मतलब उस साइड मेरी मम्मी है और इस साइड मेरी चाची हैं जो उनकी मम्मी हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये लोग यहाँ एक पिक निकलवा रहे, पिक के बाद ये चढ़ाया है जो ये पहने हुए है, ये चढ़ाया उड़ाए का सब सामान है जो लड़की को ससुराल की तरफ से आता है। फिर उसके बाद लड़की को महावर लगेगा, तो बस यहाँ सब लोग महावर लगा रहे। ये धागा दिख रहा होगा आपको, ये लोग 2 लोग बांध रहे हैं। ये हमारे यहाँ कुछ होता है कलावा, पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है, इसे बहुत बहुत गस्ता बांधना पड़ता है ताकि लड़का इसे खोल ना पाए। तो बस ये हमारा मतलब फेरों का काम चालू हो गया है, और जो मतलब बर्तन में कुछ पीला सा पानी रखा है, ये पाँव पखराई बोलते हैं वो हुआ है, और सब लोगों ने उनके पाँव धुले हैं पानी और हल्दी मिला के, सब लोग वो पाँव पड़े हैं। और जिसे जो मतलब दहेज नहीं देते, कुछ लड़की की तरफ से जो होता है वही दे रहे हैं, तो ये सामान उठ के जा रहा है बाहर। और बस लड़की बैठी बेचारी बहू बनी, अभी से इतना मुँह ढक दिया इसका। तो ये हो रहे हैं हमारे यहाँ फेरे, जो
और हमारे यहाँ ऐसे हरा मतलब हरे पत्ते डलते हैं ऊपर, इसे मड़वा बोलते हैं। ये हरा मड़वा है और इसी के नीचे फेरे होते हैं और बस ऐसे ही फेरे हो जाएंगे। फिर इस फेरे के बाद मतलब बुआ, शायद बुआ मांग भरेंगी, फिर उसके बाद एक दो फेरी और होंगी शायद, उसके बाद फिर लड़का मांग भरेगा। पहनाएंगे लड़की को, मतलब अभी तक कुंवारी थी और इसके बाद मतलब शादीशुदा वाली हो जाएगी, मैरिड हो जाएगी। तो ये हमारी बुआ बिछिया पहना देंगी और अभी बिछिया पहना के फिर यह इनकी मांग भरेंगी। तो ये लड़की का पल्लू ऊपर कर दिया है ताकि मतलब मांग भरने में प्रॉब्लम ना हो। अभी से क्यों यार बहू बना दिया था बेचारी को पहले ही, बट तो जो हमारी मांग भर रही हैं। बटे पता नहीं इतनी सीधी हैं ये लोग, मेरे बुआ लोग, मेरे पापा पापा और बुआ लोग सब लोग ऐसे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। ये हम लोग इतना बता रहे हैं ऐसे मत भरो ऐसे करो, बट वो कुछ नहीं, उनसे मांग भरते ही नहीं बन रही है। देखो एक बार हो गया है, मेरे मोबाइल में ना पता नहीं क्या होता है, इसकी लाइट ठीक नहीं है। तो ये मांग भर देंगी बुआ, हाथ उठाओ में, काफी टाइम लगा रही हैं ये इतना सा काम करने में। और ये अब भर रहे हमारे दूल्हे राज मांग, तो इनको भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो ये हाथों से बता रहे हैं कौन है, ये नाव है हमारे यहाँ के, मतलब लड़के की तरफ से आए हैं। तो ये हाथ ही नहीं जा रहा लड़के का बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम, मतलब जो लोग बता रहे थे ऐसे ही करूँ, मैं भी बोल रही थी कि पास आ जाओ, पास नहीं आ रहे थे। तो बस हमारे यहाँ लड़का ऐसी मांग भरता है, और हमारे यहाँ लड़का मंगलसूत्र नहीं पहनाता है, बट क्योंकि वो जब चढ़ाव चढ़ता है, मतलब चढ़ाया बोलते हैं, चढ़ाया चढ़ता है रात में, तो जब वो चढ़ाई में सब चला जाता अंदर, तो मंगलसूत्र लड़की वहीं से पहन के आती है। तो बस यहाँ से पकड़े हैं और फोटो खींच रही है। तो बस वो सब होके लड़की अंदर चली गई है। अब यहाँ समधी और जो समधी होते हैं उनको बहुत हल्दी कलर लगाया जाता है। तो ये हमारी भाभी हैं जो किसी को लगा रही हैं, मम्मी भी हैं साथ में, बट मैंने पूरा नहीं करा पाया क्योंकि लड़कों को बहुत 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 कलर लगाया था मेरी मम्मी ने, बहुत ज़्यादा सबको भूत बना के पहुँचाया है। और ये सब लोग बैठे हैं, मतलब दीदी वगैरह ये सिस्टर लोग वगैरह हैं। अब विदा होगी, मतलब विदा का मैंने नहीं बनाया। तो बस यही था मेरा वीडियो, ये मेहर है जो लड़का ले रहा है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।